देवघर शहर के बीचों बीच स्थित नगर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसके नवनिर्माण के लिए आज तक किसी ने पहल नहीं की। यूं तो यह प्रॉपर्टी नगर निगम की मानी जाती है, लेकिन नगर निगम की ओर से भी इसे नवनिर्मित करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है। हम आपको बता दें कि जर्जर भवन में नगर निगम की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं। भवन की स्थिति देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह भवन कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। बताते चलें कि पूर्व की सरकार में मंत्री रह चुके सुरेश पासवान ने अपने कार्यकाल में टाउन हॉल के नवीनीकरण के लिए लाखों रुपये योजना के रूप में नगर निगम के सुपुर्द किए थे, लेकिन आज तक उन पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर उन पैसे का इस्तेमाल समय के साथ किया जाता तो आज नगर भवन की स्थिति कुछ और होती। जो टाउन हॉल बनी हुई है तो ये जितना भी सरकारी कार्यक्रम है और निजी कार्यक्रम, तो उसके लिए बनाया गया था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो यहाँ पे संचालित हो सके अच्छा से, क्योंकि यहाँ अभी ये जो देवघर में है टाउन हॉल, ये शहर के बीचों बीच में है और सभी लोग जानते हैं इस टाउन हॉल के बारे में, लेकिन अभी जो इसकी दशा है बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आदमी खड़ा होने में भी डर लगता है, छड़ वगैरह सब गिर चुका है और इसमें ना जाने कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, इसके लिए कहना मुश्किल है। इसलिए इसमें सरकार को चाहिए कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दे और कार्यक्रम जैसा पहले चलते थे उस तरह भी सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं तो इस स्थिति रहा तो कोई यहाँ आने से भी डरेगा।